Good morning, beautiful people. Good morning from this view. भाई साहब हंस रहे हैं क्योंकि अभी इनको आदत हो गई है. डेट है 30th, आई गेस. यस 30th है आज और हम हैं कलगांव में. हमारी मॉर्निंग ऐसी हुई है कहीं पे. दिस इज अ काइंड ऑफ यू कैन से होम स्टे भी है या कुछ कह लो. मतलब कि यहाँ पे केरला के लोग आके इसको चला रहे हैं. काफ़ी पुराना प्रॉपर्टी है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है. वुडन हाउस है पूरा. ये था हमारा रूम पूरा. ये देख रहा हूँ वुडन बना हुआ. और कल तो ठंड नहीं लगी, रजाई काफ़ी गर्म थी. और यहाँ से हमारा प्यारा सा व्यू है बाहर का, जो बेड से आप बैठे बैठे देख सकते हैं यहाँ से लेटे. सो दिस इज इट. आज का मेरा प्लान तो है कि यहीं रुकना है. अभी तो एक दिन यहीं पे चिल करेंगे. ये भाई साहब को कहना है कि ये जा रहे वापस अपना नीचे जरी अपने गांव. और चार्ली भाई है ये हमारे. हाँ जी, ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा? क्या खाओगे? कुछ खा के जाओ. ब्रेड ऑमलेट खाओगे? हाँ तो नहीं खाओगे? मेरा बना दो आप ब्रेड ऑमलेट. डिनर का भी कर सकते हैं. लंच का फिर दाल चावल खा लेंगे. ठीक है ठीक है. आप बताओ कितना लाना है. फिर हम ही लेके आते. फिर आप इसका चार्ज एक हेलो ना, मैं भी कौन पे कर रहा हूँ. कोई सुनिए, मैं आप चार्ज ले लेना जो भी होगा. वैसा कोई चीज़ नहीं है. ठीक है ओके. हाँ हाँ. तो ये थे चार्ली भाई. ये हमारे यहाँ पे मैनेज करते हैं कुकिंग डिपार्टमेंट. और हाँ, मैं बोल रहा था ये भाई सब जा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं या धूप का. यहाँ पे यार ठंडी हवा चल रही है. और ये जो है ना सारे यहाँ से एप्पल फार्म है. यहाँ यहाँ ऊपर ऊपर तक है, पूरे भरे पड़े हैं. अभी तो इनमें शायद एप्पल टूट गया. अभी है कुछ कुछ, एक दो दिख रहे हैं इधर. यह है भाई एक मस्त चिल करने हमारे साथ. क्या हुआ है? तो लड़ा होगा खुद जाके कहीं. पीटा होगा किसी ग्रुप में, पीटा होगा खूब. है नहीं गर्म है मगर. अरे 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 How was it? बोल भाई कैसा लगा? यार मेरे को ये कंप्लीट करने का है. साथ साथ खाएंगे. बैठो आराम से, बैठो बैठो बैठो. मुंह से पानी गिर रहा है, भूत देख रहे हो यार कि मुंह से बेचारे को पानी गिर रहा है भूख के मारे. ओहो ओहो खा ले बाबू. असली मजे तो तुम्हारे ही हैं.
जहाँ जाना है जाओ, जहाँ मजे करना है करो, जो खाना खिला रहा है खा लो। क्या अभी अभी खाओगे? मैं नहीं खाऊं है? चलो हाफ हाफ कर लेते हैं, ठीक लास्ट है ये, इसके बाद नहीं मिलेगा। मर गया आदमी मिलता है, मस्त खा के देख रहे हो, जाके छाए में लेट गया, मस्त खाया तुरंत गया। और ये देखो हमारी स्पेशल वाइन, वाइन नहीं है पानी है, पानी का बॉटल, वाइन के बॉटल को सही है कि रिसाइकिल हो रही है। तो भाई जा रहा है संजय हमारा, और मैं अभी रुक रहा हूँ यहाँ पे, उसको जाना है अपना जड़ी घर पे, तो निकल गया अपना। बाय बाय भाई, सो प्लेजेंट यार, यहाँ बैठ के हम 2-3 घंटा टाइम बिता सकते हैं बस देखते हुए पहाड़ों को, इतना हरा भरा और अलग अलग बर्ड दिखते हैं यहाँ पे एक्चुअली, छोटे छोटे। इधर से देखोगे तो घोड़े जा रहे हैं ऊपर, ये ईटा ला रहे हैं सुबह से, ऊपर नीचे कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र करेंगे जब और दोस्त आ जाएंगे तब, मेरे पास लैपटॉप है नहीं क्योंकि, तो फ़ोन से कुछ कुछ व्लॉग करूँगा, नीचे जाऊँगा गांव में तो मैंने यह है कि चिकन बनवाना है आज, तो चिकन नीचे से लेके आएंगे और फिर यहाँ पे बनवा के खाएँगे मस्त। तो ये हमारा लंच भाई इस व्यू के साथ, बोलने का कुछ मन नहीं कर, बस फील करने का मन कर रहा है। तो खाना पीना हो चुका है और अब सोच रहा हूँ कहीं थोड़ा रेस्ट करूँ या बाहर चलते हैं, घूम फिर के आते हैं थोड़ा बाहर से, माहौल देखते हैं नीचे का क्या है। वैसे तो अभी खीरंगा जाने वाले लोग बहुत जा रहे हैं, इधर से गए हैं वो सुबह सुबह भी, तो आज यहीं पे स्टे ओवर रहेगा, तो ज़्यादा कुछ तो दिखाने का है नहीं, जो देख रहे हो तो आप देख ही रहे हो, रिकॉर्ड में तो कर ही रहा हूँ। बाय द वे दिस प्लेस इज रियली रियली ऑसम, यहाँ पे मतलब गांव है तो ज़्यादा टूरिस्ट लोग जा रहे हैं खीर गंगा के लिए, निकलते जा रहे हैं, यहाँ रुकता उकता नहीं है कोई, तो गुड स्पॉट। तो भाई जी टाइम हो गया अभी 4 बज चुके हैं, काफ़ी देर रिलैक्स कर चुके हैं, चलते हैं अब थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। हाँ जी, तो भाई लोग निकल चुके हैं अभी, ये है अपना पीछे जिप्सी हाउस, और यहाँ का कुछ लोकल भी खाते हैं आज, ऐसा मोमोज वोमोज खाने का मन कर रहा है मेरा, और क्या नीचे पूरी खाई है भाई, और चलते हैं आज का दिन घुमाते हैं आपको कालगा विलेज। ये रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग और प्यारे हैं, समझ नहीं आ रहा किधर से जाना है। आई थिंक ऊपर से जाना। पता कैसे चलेगा कौन सबसे ज्यादा दूर फेंका? हाँ क्यूट।
सारे पत्थर उन्होंने तोड़े हैं खुद से। वहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं गेट बनेगा, और यहाँ पे क्या होम स्टे रहेगा, मतलब रहने के लिए टूरिस्ट के लिए। ओके चलिए, ये गेट बन जाएगा तो एक और मार्क हो जाएगा कम से कम। अब ये रास्ता कंफ्यूज कर रहा है। ये पूरा एप्पल फार्म, यहाँ हार्वेस्ट चल रहा है। एक बकेट निकला है, कितना निकला वो? एक टांग मतलब 100 किलो हुआ? नहीं, 40 किलो। तो अभी तो इसको पैक करके भेजोगे आप लोग डब्बे में? तो जो आपके घर में एप्पल्स आ रहे हैं वो यहाँ से भी हो सकते हैं भाई। और मैं कि इस रास्ते से कल नहीं आया था, ये रास्ता जा कहाँ रहा है मगर ये समझ नहीं था मेरे को भी, लेके जाते सब। चलो फिर किसी और ही जगह आ गया हूँ भाई, चढ़ा तो मैं उधर था कहीं, मैं उस जगह से चढ़ा था। तो चिकन ढूंढने आए थे, चिकन मोमोज खाने लग गए हैं। अच्छा तो भाई चिकन तो मिला नहीं, इधर ख़त्म है, नीचे जाना पड़ेगा बड़शैनी के पास जहाँ बस उतारी थी, और काफ़ी दूर है वो, मैं कभी जाने का मन नहीं करता। आज चिल आउट डे है मेरा, तो यही गांव में रहते हैं, उन लोगों को बोलते हैं अगर वो लोग खुल ले आते। अभी देखा था गणेश भाई को नीचे जाते हुए, देखता हूँ फ़ोन करूँगा उनको वहाँ से, बड़शैनी से ले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं कभी और खा लेंगे। देख रहे एक ओल्ड हाउस, लकड़ी जमा करके रखी हुई है पूरी। Reached my place and this is the view. भाई जी चिकन यहाँ तो नहीं मिल रहा है, गणेश भाई को इस्माइल ने बोला है नीचे से लाने के लिए, हाँ इधर तो नहीं मिला, नीचे सारा चिकन ख़त्म हो गया। नहीं है मेरे GoPro में और सनसेट होने वाला है, सो दिस वुड बी द लास्ट वीडियो फ्रॉम हियर, बाकी मोबाइल से आपको दिखाएंगे। खाना आ गया है, चिकन, थोड़ा सलाद, थोड़ा चटनी, पता नहीं इतना खा भी पाएंगे कि नहीं।